नीचे करो भाई, मंजूर फरमा लीजिए, इसके पढ़ने का सवाब
लश्कर हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुकद्दसा को पहुंचा दीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात को बुलंद फरमाइए। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा को मकाम महमूद पर फाइज फरमाइए। हमारे प्यारे आका के वसीला जलीला से तमाम अरवाह की रूह को दर्जा बदर्जा इसका सवाब पहुंचा दीजिए। तमाम शुहदा करबला की रूह को इसका सवाब पहुंचा दिए। ये अल्लाह पाक इसका सवाब हक परस्ती की इस जिद्दोजहद में जितने साथियों ने जामे शहादत नोश किया, ये अल्लाह उनकी रूहों को इसका सवाब पहुंचा दीजिए, उन सबके दराजात को बुलंद फरमा दीजिए, उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाइए। ये अल्लाह यह फर्ज जिद्दोजहद कर रहे हैं, ये अल्लाह इस पाकिस्तान में तमाम मजलूमों के हकूक की बाजियाबी के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं उस जद्दोजहद को कामयाबी कामरानी से हम किनार फरमाइए। या अल्लाह इस मुल्क के मुहाजिरों को, इस मुल्क के पंजाबियों को, इस मुल्क के सिंधियों को, इस मुल्क के बलोचों को, इस मुल्क के पख्तूनों को, इस मुल्क के सराइकियों को, हजारेबाल कश्मीरी बल्कि के जितने इंसान बसते हैं उन सब की खिदमत करने की तौफीक सआदत अता फरमाइए। या अल्लाह इस जद्दोजहद को अपने फजलो करम से प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में या अल्लाह कामयाबी कामरानी से हम किनार फरमाइए। या अल्लाह पाकिस्तान को इस्तेकाम और खुशहाली अता फरमाइए, पाकिस्तान के जर्रे जर्रे की हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह पाकिस्तान में बसने वाले तमाम इंसानों को या अल्लाह खैर अता फरमाइए। या अल्लाह डॉक्टर फारूक सत्तार भाई जो जद्दोजहद कर रहे हैं, जो साथी जद्दोजहद कर रहे हैं, इनकी उम्रों में बरकत फरमाइए और इनको या अल्लाह उम्र खिदमत फरमाइए। या अल्लाह इनसे दीन की खिदमत का काम ले लीजिए, या अल्लाह इनसे मखलूक की खिदमत का काम ले लीजिए, या अल्लाह इनसे पाकिस्तान की खिदमत का काम ले लीजिए, या अल्लाह इनसे सिंध की खिदमत का काम ले लीजिए, या अल्लाह इनसे कराची की खिदमत का काम ले लीजिए। या अल्लाह तू ही मददगार है, उनसुरना फइन्नका खैरुन नासिरीन, उनसुरना फइन्नका खैरुन नासिरीन। ए अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं जो मदद करे, ए अल्लाह तेरी मदद काफी है। हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील, हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील, हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील, व नि'मल मौला व नि'मल नसीर। या अल्लाह हमारी ये छोटी सी जमात है लेकिन आप परस्ती की जद्दोजहद के लिए जो जद्दोजहद कर रही है, या अल्लाह इसकी कुव्वत भी अता फरमा, ताकत भी अता फरमा, अपनी मदद भी अता फरमा, और हम सबको इखलास नियत के साथ या अल्लाह ईमानदारी के साथ अपनी अपनी खिदमत अंजाम करने की तौफीक अता फरमा। शुहदा की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। खास तौर पर डॉक्टर शहीद डॉक्टर इमरान भाई, तालिब वलीद भाई और हमारे भाई और जितने भाई और जितने लोगों ने अकबरस्ती की जद्दोजहद में जामे शहादत नोश किया, या अल्लाह उन सब की रूहों को आला इलीन में जगह अता फरमा, जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। या अल्लाह अकबरस्तों की हिफाजत फरमा, अकबरस्तों की मदद फरमा, हमारी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक पाकिस्तान को इस्तेकाम खुशहाली अता फरमा, तरक्की अता फरमा, और जो लोग पाकिस्तान की दिफा के लिए लड़ रहे हैं उनकी भी जान माल की हिफाजत फरमा। अल्लाह पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह जो कुछ मांगा वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। या अल्लाह हम खिदमत करना चाहते हैं इसकी हमें सआदत नसीब फरमा, तौफीक अता फरमा, असबाब अता फरमा, अपनी मदद नुसरत कामयाबी कामरानी अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا भाई।
चलो 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 भाई चलो चलो अबे भाई पेट क्यों दबा रहे भाई चले भाई पर एक बार दोबारा वीडियो तो भाई होगी सर भाई सलाम चलो भाई अब तो चलो यार भाई चलो पेट सारा पीछे से बनवा के लाते पेट बरदार जी रेहान भाई क्या कहेंगे आज की इस डेवलपमेंट के बारे में? आज तकरीबन एक साल बाद यहाँ पर सफाई सुथराई का इंतज़ाम के लिए उसको मॉनिटर करने के लिए हम आए यहाँ पे और जिस तरह देख रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की लीडरशिप रबिता कमेटी के अराकीन यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने हाजिरी दी है, अपने इजहार किया है और ये हम तो मौजूद हैं यहाँ पर। और यादगार शुहदा पे हाजिरी के हवाले से कोई क्या ख्याल आते हैं? हमारी एक वाबस्तगी तो है ना, एक दिली वाबस्तगी है, लेकिन हम तो एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से यहाँ पर जो आए और यहाँ पर देखकर बड़ा दिल को दुख भी पहुँचा कि सफाई सुथराई का इंतजाम नहीं हुआ था। और बहरहाल हम मौजूद हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करे, यहाँ पर आमद का सिलसिला जारी रहे। बिल्कुल पीछे उधर भाई बातचीत रखनी है, एक मिनट Faruk bhai kadam padho tumhare baad
बॉस इसमें अब उसे डालना। हाँ सुनो, मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ। अभी मैं अपने पेज से। अल्लाह ने आज का दिन दिखाया है और हम सुरखरू हुए हैं। हम इंशाल्लाह हक परस्ती की राह में जो भी रुकावटें हैं हम उनको दूर करेंगे, जो मुश्किलें हैं उनको दूर करेंगे। नेक नियति से काम करना चाह रहे हैं फारूक भाई की सरबराई में, और इंशाल्लाह कराची, सिंध और पाकिस्तान के मसाइल पे इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने आवाम का, अपने लोगों का जो भी मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उनको दूर करें। नेक नियति से काम करेंगे, ये माजिर कौम से वादा करते हैं। अच्छा, जो साथी देख रहे हैं वो मीडिया के हवाले से कोई मजीद बात करने का इरादा है? अब मेरे ख्याल में भादराबाद पे ही जाके अभी कुछ देर के बाद मीडिया से मीडिया बात की मैसेज देंगे अपने पेज से। एक मिनट 30 सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। आज फाइनली MQM पाकिस्तान शुहदा यादगार के पर आइए और शुहदा के याद में फूल चढ़ाइए। ये साबित कर रहा है कि दरअसल शुहदा के जो ओरिजिनल अमीन है वो MQM पाकिस्तान है, और इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर फारूक सत्तार की क़यादत में पतंग के निशान के साथ, MQM के मंशूर के साथ 2018 का इलेक्शन शानदार तरीके से कामयाबी हासिल करेंगे। अच्छा, और अमीन भाई, मजीद जो साथी लाइव हैं पूछ रहे हैं कि मजीद अब कोई मीडिया टॉक फारूक भाई या रबता कमेटी कोई करेगी मजीद भादराबाद पे जाके या हमारे ऑफिस से कहीं? अब चूँकि अजीज़ाबाद से हम फारिग हो रहे हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार भाई अभी शुदा कब्रिस्तान पे डॉक्टर इमरान फारूक, अजीम अहमद तारिक और खालिद बिन वलीद भाई के कब्र पर हाजिरी देंगे। उसके बाद पूरी MQM की क़यादत भादराबाद जाएगी और इंशाल्लाह ताला भादराबाद पे मीडिया टॉक करेंगे। थैंक यू। इस तरफ आ जाएंगे 30 सेकंड, एक मिनट। आज की डेवलपमेंट के हवाले से क्या तासुरात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की डेवलपमेंट आप खुद देख रहे हैं कि कितने लोग जोग दर जोग यहाँ पर आए शुहदा यादगार पर अपने शुहदाओं को खराज अकीदत पेश करने के लिए उनको, लेकिन बदकिस्मती है कि हमें इजाज़त नहीं दी गई। अगर ये इजाज़त दे दी जाती हमें शुहदा कब्रिस्तान पर या यादगार शुहदा पर आने के लिए, अब हमारे कारकुनान को आप देखते कि पूरा कराची उमड़ आता। और अब भी देखिए, इतनी रुकावट के बावजूद यहाँ पर कंटेनर लगा दिए गए, यहाँ पर पुलिस मौजूद, उसके बावजूद भी हज़ारों की तादाद में कारकुनान का आना ये हम है, क्योंकि हमने कभी शुहदाओं को कभी हमने उनकी याद फरामोश नहीं किया। और शुहदा जो है जिस्मानी तौर पर हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी, इससे कोई हमें मिटा नहीं सकता। अच्छा शबीर भाई, ये एक खास तौर आपके हवाले से कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया में चल रही है, वो इजलास से जो आप नाराज़ होकर चले गए थे, इस तरह की खबरें मीडिया में चलाई गई, एक नेगेटिव तासुर उसका जाता है। नहीं, तो साथियों ने काफ़ी सवाल भी किए हैं सोशल मीडिया पे, तो आपकी क्या बात ये है कि देखो ये ज़रूर एक चीज़ थोड़ी सी हुई थी, मैं उठ के ज़रूर मैं कह रहा था नाराजगी का, मैंने एक मसले में मैंने आधार किया था, मैं ये कह रहा था कि ये फैसला जल्दबाजी में हो रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमें फेक फायर करना पड़े। हमारे कारकुनान को ये बात पसंद ना है, अगर ऐसा करना है तो कारकुनान की जहन साजी करके फिर ये फैसला करें। हमें फैसले पर एतराज़ नहीं था, हमें सिर्फ तरीकेकार पर एतराज़ था, जिसकी वजह से मैं चला गया, जो मैंने गलती की नहीं जा रहा था। ओके, थैंक यू। ठीक है, आवाज उठानी होगी।
आप बढ़ जाए आगे जाए जगह दिएगा जगह भाई यहाँ से मेरा भाई यहाँ से मैं ऊपर पीछे पीछे फैसल भाई हमें आराम से रिजवान वाला भाई को बता लेकिन रोड़ा ये रोड है मैं आ रहा हूं हमें मैं जा मैं जा मैं जा भाई भाई हट जाओ भाई फारूक भाई अभी यहाँ से हमारा क्या प्रोग्राम है, कहाँ जा रहे हैं? कब्रिस्तान जाएंगे या हम बहादुराबाद जा रहे हैं? वहाँ मीडिया टॉक होगी। जैसे फारूक भाई ने बताया मीडिया टॉक होगी बहादुराबाद पे, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।